हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल शेड्स ऑफ मैक्स। ये वीडियो हमारी टर्की ट्रिप का पार्ट फोर वीडियो है। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें। अब शुरू करते हैं हम पार्ट फोर वीडियो। तो अब हम लोग आए हमारे होटल के टॉप पे और टॉप से व्यू आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, बिल्कुल मून लाइक व्यू है। आप मेरे पीछे देखिए वो सारे स्ट्रक्चर्स, वो कितने अमेजिंग लग रहे हैं। एक्चुअली ये सब ना करोजन के कारण हुआ है, विंड और बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के कारण, और पूरे चारों तरफ लाइक 360 डिग्रीज ऐसे ही स्ट्रक्चर्स हैं। और इधर भी और यही जगह है जहाँ पे हम लोग को हॉट एयर बलून मिलेगा। और आई थिंक डे आफ्टर टुमारो हम लोग यहीं से हॉट एयर बलून का जो सबसे बेस्ट पिक्चर जो बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी लगती है वो यहीं से क्लिक करेंगे। तो होपफुली हम लोग भी एक अच्छी पिक्चर ले पाए। और कल जाएंगे हम लोग हॉट एयर बलून, पर अभी जाएंगे हम लोग यहाँ का मार्केट और रेस्टोरेंट्स और शॉप्स देखने, जो कि जस्ट डाउन द हिल है। तो हम लोग अभी वहाँ जाएंगे। और ये वाला आप देखिए, ये कैसा है, छोटा सा एक हिल है, टीला, शायद हिंदी में टीला बोल सकते हैं इसको, ये टीला टाइप से है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वो छोटे छोटे से गुफा दिख रही है, उसी वही केव्स हैं। और जो होटल है वो केव के अंदर होता है, तो इसलिए वो पहले यहाँ पे लोग रहते थे उस केव्स के अंदर। Amazing place it is. हम लोग जिस होटल में रुके हैं उसका नाम है हरमन केव होटल। उसका लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। हम लोगों को पर डे वहाँ रुकने के लिए लगे 6,300 रुपीस। वहाँ से आप दिन में या रात में कभी भी पूरे गुरमे सिटी का अमेजिंग व्यू ले सकते हैं। होटल का स्टाफ भी बहुत ही फ्रेंडली है, स्पेशली अवनी हु हेल्प्ड अस आउट विद एवरीथिंग। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग गुरमे के सिटी सेंटर जाएंगे, जहाँ पे काफी सारे रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स हैं। हमारे होटल से गुरमे के सिटी सेंटर जाने के लिए पूरा डाउन द हिल जाना पड़ेगा। डाउन द हिल जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट जाते जाते ये समझ में आ गया कि ऊपर आते टाइम आपका फिटनेस लेवल जरूर चेक हो जाएगा। You see yellow, the red car, and there is some people sitting there. Thank you. तो हम लोग पूरा डाउन द हिल आ गए। डाउन द हिल आने में तो बहुत मजा आया है, अभी अप द हिल जाने में बड़ी दिक्कत होगी। और ये यहाँ का सेंटर का मार्केट है, और आगे ही जाके शायद एक इंडियन रेस्टोरेंट है नमस्ते इंडिया करके, तो हम लोग मोस्ट लाइकली उधर ही जाने वाले हैं नमस्ते इंडिया में। तो अभी हमारे पीछे नमस्ते इंडिया, और एक्चुअली मुझे सिर्फ यही रेस्टोरेंट खुला हुआ है क्योंकि रमज़ान चल रहा है और काफ़ी भीड़ है उस रेस्टोरेंट में। तो हम लोग चलते हैं नमस्ते इंडिया और खाते हैं कुछ देसी खाना, और आपको बताएंगे कितने का है और क्या खाना है और कैसा है। हमने तो पिक्चर देखे हिंदी सीखी, अमिताभ बच्चन को, वो जब हिंदुस्तान में घुसता है ना, अस्सलाम वालेकुम सर मैंने हिंदुस्तान। तो हम लोगों ने लंच ऑर्डर किया, और बहुत ही अच्छा लंच था इस रेस्टोरेंट का, और उसका बिल आया अराउंड 2700 रुपीस। Thank you.
हम लोग इस मार्केट में घूम रहे हैं मतलब जो सेंटर टाउन है वहाँ पे जो मार्केट्स और शॉप्स हैं और ये पूरा जो एरिया है इसके आसपास ना वही स्ट्रक्चर है जिसे फेरी चिमनी करके बोलते हैं और पूरा आसपास वो स्ट्रक्चर है और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं कॉफ़ी शॉप्स हैं और वो फेमस टर्की की आइसक्रीम की शॉप्स भी हैं जिससे वो ट्रिक करते हैं और कारपेट्स हैं रग्स हैं बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे. अभी आप देखिए ये यहाँ का शायद मेन वो है मस्जिद मेन मीनार दिख रहा है बट मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ आप इधर आइए मैं आपको दिखाती हूँ. आप देखिए मेरे मेरे पीछे उधर भी दिख रहा होगा और अगर थोड़ा सा टर्न करेंगे सही तो फिर उधर भी है. आप सोच ही नहीं सकते कि ये आखिर बना कैसा होगा मतलब विंड के करोजन से आई थिंक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद फिर जाके ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होंगे. बट इसके बारे में मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे कल और परसों के टूर के बाद तो मैं आपको उसके बारे में तब और जानकारी दूंगी. टर्किश रक्स बहुत ही फेमस है. यहाँ के रग्स बहुत ही सुंदर है जिसे आप डेकोरेट कर सकते हैं अपने वॉल पे या अपने फ्लोर पे. ये रग्स हैंडमेड होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं. वैसे तो हर प्राइस रेंज में अवेलेबल होते हैं. मेरा टिप ये होगा कि अगर आप इन रग्स की शॉपिंग करना चाहते हैं तो उनसे बार्गेन ज़रूर करिए क्योंकि तभी आपको एक अच्छा प्राइस मिल सकता है. गुरमे टाउन बहुत सारी फेरी चिमनी से सराउंडेड है और इसलिए यहाँ पे बहुत सारे केव होटल्स भी हैं. बट मेरा टिप ये होगा कि जब आप अपना केव होटल बुक कर रहे हैं एक बार आप चेक कर लीजिए कि वो सही में ये केव होटल है या नहीं. तो हम लोग आए हैं इस कॉफ़ी शॉप में और हम लोग चारों ट्राई कर रहे हैं टर्किश कॉफ़ी और बहुत ही डिफरेंट सी है अपने नॉर्मल कैपेचिनो या कैफे लाते या किसी भी नॉर्मल नेस्कैफे जैसी नहीं है. बहुत ही डिफरेंट है बट आप लोग भी ट्राई करिए अगर आप आते हैं इस्तांबुल या टर्की की कोई भी. तो हम ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत हालत ख़राब हो गई है. जितना मज़ा नीचे उतरने में आया था उतनी ही दिक्कत ऊपर चढ़ते हुए हो रही है और जो भी खाना खाया था वो ऑल पूरा डाइजेस्ट हो गया है. और अभी हम आ चुके हैं हमारे होटल और पीछे से आ रही है वैन. ये इस टाइप की वैन होती है मैं आपको दिखाती हूँ जो आपको एयरपोर्ट से पिक करती है और आपके होटल तक छोड़ देती है. तो आप जब होटल बुक करें तो होटल बुक करते टाइम अपने होटल वालों से चेक कर सकते हैं कि इस तरीके की कोई वैन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो एयरपोर्ट से क्योंकि बहुत ही कन्वीनियंट हो सकता है ऑलमोस्ट 1 आवर से ज़्यादा का क्योंकि जर्नी है एयरपोर्ट से होटल तक का. तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होगा. बट हम आ चुके हैं ऊपर और टर्किश कॉफ़ी भी लिया. मुझे तो इतना खास अच्छा नहीं लगा बट मुझे टर्किश टी बहुत अच्छी लगी. तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप टर्किश टी लें क्योंकि मुझे टर्किश टी अच्छी लगी. बट अगर आप एक बार आए हैं टर्की में तो टर्किश कॉफ़ी भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको क्या अच्छा लगा. फिर हमारा कल मॉर्निंग में 3:30 पर फिर उठना है. We have to be ready at 3:30, so we have to get up at 3. Yes. So we will enjoy our evening and we'll go to the bed, but early today. Yes.
तो ये था हमारा फर्स्ट डे इन कैपेडोकिया। आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरा हैंडल है शेड्स ऑफ मैग्स। और नेक्स्ट वीडियो तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हॉट एयर बलून राइड, जो कि सैटरडे को आने वाला है, तो उसे बिल्कुल देखिए। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।